आज हम बात करेंगे लीनियर फंक्शनल के बारे में। कि व्हाट इज लीनियर फंक्शनल, कि हमारे पास लीनियर फंक्शनल जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, हमें पता है जो वी एफ है दैट इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस, देन वी नो दैट व्हाट वी नो, कि हमें पता है कि एफ ओवर एफ यानी कि दिस ओवर दिस ये हमारे पास सेम है, इट इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस, कि ये भी कोई वेक्टर स्पेस है। सो वी कैन टेक अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी एफ टू वी एफ। ठीक है, मैंने सेम से सॉरी वी एफ टू एफ, मतलब ये भी हमारे पास क्योंकि एक वेक्टर स्पेस जो है वो बनता है, राइट। देन जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैंने ली टी, दैट इज वी एफ टू एफ ओवर एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज अ फील्ड ऑफ स्केलर्स। ये जो है ये हमारे पास एक फील्ड है जो किसका है, फील्ड ऑफ स्केलर्स, स्केलर्स का फील्ड है। ठीक है, इट इज नोन एज अ लीनियर फंक्शनल, हम इसे बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शनल है। कि फील्ड ऑफ स्केलर्स पे मैंने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है लगाई है, लीनियर फंक्शनल, राइट। और इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि ये हमारे पास फील्ड ऑफ स्केलर्स है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे पास एक स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी ऑन वी एफ। किसके ऊपर है, वी एफ के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसके एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया पहला, टी जो है वो किसी पॉलिनोमियल से किसी फील्ड ऑफ स्केलर पे जा रहा है, विच इज गिवन बाय, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई पॉलिनोमियल, दिस सिग्मा आई इज इक्वल टू ज़ीरो टू एन ए आई एक्स आई, ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू ज़ीरो टू एन सी आई ए आई फॉर ऑल सी आई बिलोंग टू एफ। अब जो ये ए आई है ये भी हमारे पास क्या है, कोई कॉन्स्टेंट है, और ये जो हमारे पास सी आई है ये भी कोई कॉन्स्टेंट है। ठीक है, यानी कि स्केलर है, सॉरी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर फंक्शनल। ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ है कि जब हमें स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन मिले एफ ओवर एफ, ये भी हमारे पास स्केलर्स हैं, ये भी स्केलर्स हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, लीनियर फंक्शनल बन जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, दैट इज टी एफ एन एफ से वो जा रही है एफ ओवर एफ, विच इज गिवन बाय टी एट ए वन ए टू ए एन, विच इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वन टू एन सी आई ए आई, राइट। फॉर सम जो ये सी आई है ये एफ से बिलोंग करता है। अब देखिए ये भी हमारे पास क्या आ गई, एक स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी हमारे पास क्या आ गई है, एक स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है, स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। इसी तरीके से अगर मैं मैट्रिक्स को डिफाइन करूं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये लिया मैंने टी, दिस इज एम, एम क्रॉस एन आर, हमने कोई मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस लिया एम क्रॉस एन, उसका ऑर्डर है, ठीक है, और वो भी स्केलर्स पे जा रहा है, तो ये भी कोई लीनियर फंक्शनल बनेगा। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन करोगे, टी ए आई जे, ऑर्डर क्या रहेगा, एम क्रॉस एन विच इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वन जे इज इक्वल टू वन, ये क्या हुआ एम और ये क्या हुआ एन, सी आई जे विच इज कॉन्स्टेंट एंड ए आई जे हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट होगा किसका, इस मैट्रिक्स की फॉर्म का ए आई जे, दैट इज ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री। अब है तो हमारे पास ये भी स्केलर्स, ये भी स्केलर्स, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इज ए लीनियर फंक्शनल, ये हमारे पास क्या हो गया, एक लीनियर फंक्शनल हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लीनियर फंक्शन हमारे पास क्या होता है। मेन चीज़ क्या है इसके अंदर कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो एफ ओवर एफ पे जानी चाहिए, दिस इज ठीक है। और ये एक स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन कह लो या फिर लीनियर फंक्शन कह लो, हमारे पास एक ही बात है ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज लीनियर फंक्शनल और अ स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द मोर वीडियोज़।